दोस्तों, विस्थापन अभिक्रिया या जिसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, वो पढ़ने के बाद में आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि हमको कैसे पता चलेगा जब आप लिख रहे हो, मान लीजिए NaCl लिख रहे हो और उसके सामने अगर आप पोटेशियम ले आते हो तो क्या रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। या आप सोच रहे होगे कि यार हमको मतलब ये कैसे हम याद रखें कि जैसे कॉपर सल्फेट के सामने जब हम आयरन लेकर के आ रहे हैं तो हटेगा कि नहीं हटेगा, या अगर यही चीज़ रिवर्स लिखी हुई हो, मतलब ऐसा लिखा हुआ हो, तो क्या रिएक्शन होगी। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में होंगे। या मान लीजिए कॉपर सल्फेट के सामने हम किसको ले आएँ, जिंक को ले आएँ, तो क्या रिएक्शन होगी। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चंस होंगे। या जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड है, इसके सामने अगर हम मान लीजिए सोडियम को ले आएँ तो क्या रिएक्शन होगी। तो ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में होंगे कि यार हम असल में याद कैसे रखें कि ये वाली रिएक्शन कब होगी और कब नहीं होगी। तो उसका आंसर हमको देती है रिएक्टिविटी सीरीज। बहुत ज़्यादा आसान है, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि कौन कितना ज़्यादा सक्रिय है। अगर आपको ये पता चल जाए कि कौन सा वाला जो तत्व है वो ज़्यादा सक्रिय है, ज़्यादा एक्टिव है, मतलब ज़्यादा एक्शन कर देता है, तो आप इन सबका आंसर दे सकते हो। तो ये सक्रियता श्रेणी है क्या, इसमें कुछ एक हमने तत्व अरेंज कर रखे हैं, कौन से, पोटेशियम कर रखा है, सोडियम कर रखा है, कैल्शियम कर रखा है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है और आयरन है, फिर हमारे पास लेड है, फिर उसके बाद हमारे पास जो है हाइड्रोजन को बीच में घुसा रखा है अपन ने, और इसके बाद में हमारे पास कॉपर है, उसके बाद में हमारे पास चांदी है, फिर है सोना है, और उसके बाद लास्ट में हमारे पास है प्लेटिनम। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि यार याद कैसे करेंगे इसको। तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना, वही मैं आपको आज बताने वाला हूँ, एक ऐसी ट्रिक जिसको आप अगर एक बार सुन लोगे तो पूरी ज़िंदगी में नहीं भूलोगे। ये एक वेल वेरीफाइड मेथड है याद करने का, जो मेमोरी ट्रेनिंग लोग करते हैं उन्हीं से मैंने समझा है, सीखा है, और वो मैं आपको बता रहा हूँ। हंसी भी आएगी लेकिन आपको याद रहेगा सब कुछ। देखो, एक क्लास में दो लड़के हैं, एक है कालू और एक है नरेश। तो कालू की हरकतें ना थोड़ी उटपट आएंगे, तो कालू ने क्या किया, कालू ने नरेश का बहुत बड़ा मैंगो चुरा लिया। उसके पास 5 किलो का एक मैंगो था। अब 5 किलो का मैंगो होता है क्या, था उसके पास, तो कालू की नज़रों में आ गया था वो। तो कालू ने नरेश का 5 किलो का मैंगो चुरा लिया। फिर बात यही नहीं, अब वो उसको पता चल गया होगा नरेश को हल्का फुल्का, लेकिन उसने सोचा यार दोस्त है तो कोई बात नहीं, चल उसको चाहिए होगा, ले लिया होगा। फिर इतना ही नहीं, फिर कालू ने नरेश का 5,000 आलू चुरा लिए। ऐसे होता है 5,000 आलू कोई चुरा सकता है क्या, चुरा लिए उसने। तो उसने, कालू ने पहले क्या चुराया, मैंगो चुराया, फिर उसके बाद 5,000 आलू चुरा लिए। और फिर उसके बाद इतना ही नहीं, कालू ने क्या किया, अपने घर गया और झंडू बाम की शीशी होती है ना, उसमें आलू को और मैंगो को छुपा के रख दिया। और झंडू बाम की शीशी तो इतनी सी होती है, ये कैसे हो सकता है भाई, लेकिन किया है उसने, ठीक है, इतनी सी शीशी नौ सब भर के रख दिया। पता नहीं जादू वादू आता था पता नहीं उसको, ठीक है। तो 3 चीज़ें चुरा दी। फिर यही बात नहीं रुकी, इतना जब हुआ ना तो नरेश को फीवर आ गया, बुखार आ गया, यार इतनी चीज़ें कोई चुरा लेगा तो बुखार मार गया उसको, टेंशन कर करके बुखार आ गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, कालू ने एक दिन नरेश के स्कूल के बैग में से लड्डू चुरा लिए। अब जैसे ही लड्डू चुराए ना, तो यार मतलब बात बहुत आगे बढ़ गई, और हल्लो हाय जो होती थी ना वो भी बंद हो गई, एकदम बात होना बंद हो गई, हल्लो हाय होना बंद हो गई। फिर उसके बाद कालू को क्या आया, थोड़ा गुस्सा सा आ गया, कोई बात नहीं करता था उससे, अब वो होता ही है ना, बातें बातें करके उसको बदनाम कर दिया होगा। कालू घर गया और उसने क्या किया, कालू ने घर जा करके और चोरियाँ करना शुरू कर दी। तो उसने ना कॉपर की बनी हुई चीज़ें चुराने लग गया, छोटी छोटी चोरियाँ कर रहा है पहले, देखो कॉपर की चीज़ें चुरा रहा है, तांबा वांबा तो क्या ही है। फिर थोड़ी बड़ी चीज़ें चुराई उसने आगे जा करके, और थोड़ी बड़ी मतलब चांदी चुरा ली थोड़ी बहुत। फिर उसके बाद और बड़ी चोरी की, सोना चुराया उसने। और यही नहीं रुका भाई, उसने तो जाकर के आगे प्लेटिनम चुरा लिया, प्लेटिनम सोने से भी महंगा होता है, तो बड़ा चोर बन गया। तो समझ रहे हो, छोटी मोटी चोरियां अपने को नहीं करनी। तो हो गई आपको याद रिएक्टिविटी सीरीज, नहीं अबे हो गई, देखो देखो कह रहे अपन, कालू ने क्या किया, देखो कालू ने नरेश का, तो ये कालू के नरेश, कालू ने को छोड़ दो, कालू ने नरेश का क्या चुरा लिया था, मैंगो। बहुत बड़ा मैंगो नहीं था क्या उसके पास, 5 किलो का मैंगो चुरा लिया, एमजी। फिर मैंगो चुराया और उसने 5,000 आलू नहीं चुरा लिए थे क्या, तो आलू चुरा लिए। फिर इतना ही नहीं, कालू ने क्या किया था, उनको जाकर के झंडू बाम की शीशी में बंद कर दिया था।
ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन उसने किया था, और इतना जब हुआ तो उसको बुखार आ गया था, फीवर आ गया था। किसको बुखार आ गया था? अपने नरेश को बुखार आ गया था। और फिर क्या हुआ, अति कब हो गई? जब उसने लड्डू चुरा लिए। लड्डू क्यों बोल रहे हैं अपन इसको? क्योंकि नाम क्या होता है एलिमेंट का? लेड। और फिर जब ऐसा हुआ, लड्डू जब चुरा लिए, तो ये तो बड़ी बात हो गई ना यार, बड़ी बात हो गई। तो हेलो हाय बंद हो गई, हेलो हाय जो थी वो बंद हो गई, हाइड्रोजन को बीच में घुसा दिया। फिर उसने क्या किया, छोटी मोटी जो उससे बात करना बंद कर दी कालू से, सबने तो छोटी मोटी चोरियां की। तो पहले उसने कॉपर की चोरी की, फिर उसने चांदी चुराई, सिल्वर चुराया, और फिर उसने गोल्ड की चुराई चोरी की, और फिर वो जब और बड़ा हुआ तो उसने तो भाई प्लेटिनम चोरी करना चालू कर दिया। अब देखो ये जो है ना, सारे के सारे हम मेटल्स रखते हैं, हम ये मेटल्स की सक्रियता श्रेणी बोलते हैं इसको, लेकिन यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि हमने हाइड्रोजन को भी बीच में घुसा रखा है। एक हाइड्रोजन को हम लोग बीच में घुसाते हैं, और दूसरा जो है हम लोग कार्बन को बीच में घुसाते हैं, और वो यहाँ लिखते हैं उसको। क्यों? क्योंकि इनका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा रिएक्शंस करते हैं मेटल्स के साथ आकर के, यौगिकों के साथ आकर के, हाइड्रोजन और कार्बन। तो हालांकि ये दोनों ही मेटल नहीं है, लेकिन इनको हम काफ़ी बार जगह दे देते हैं। उसके अलावा जैसे SN जैसे और भी कुछ एक एलिमेंट्स हैं जिनको हम सक्रियता श्रेणी में रख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको एक बेसिक बताई है, अगर आपको ये याद है तो आपका काम हो जाएगा। अब इसे हमें यूटिलाइज कैसे करना है आप वो समझो, कि जैसे मान लो हमारे सामने ऐसे लिखा हुआ हो, जैसे मान लो हमारे पास है Al2SO4 होल थ्राइस, तो ये इसका एक सॉल्यूशन बना हुआ है, ठीक है। अब एक्वस ले रहे हैं मान लो इसका, अगर ऐसा होता हो पॉसिबली, तो उसके सामने अगर मैं मैग्नीशियम ले आऊं, तो मैग्नीशियम इससे ऊपर है ना, तो इससे ज्यादा सक्रिय है, मतलब वो क्या कर सकता है, इसके पास इतनी ताकत है कि एल्यूमिनियम को उसी के घर के घर से निकाल करके खुद जाके रहने लग जाएगा। तो ये जो रिएक्शन है ना, ये हो जाएगी और MgSO4 बन जाएगा, और जो एल्यूमिनियम है उसको अलग आ जाना चाहिए। लेकिन अगर इसी के सामने, एल्यूमिनियम के ही सामने, अगर मान लो हम इससे कोई नीचे वाला लाए होते, जिंक लाए होते, आयरन लाए होते, लेड लाए होते, कॉपर लाए होते, तो वो रिएक्शन नहीं होती। और यही आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा कि NaCl के सामने K लाने से रिएक्शन होनी चाहिए क्या? बोला हाँ होनी चाहिए, क्योंकि K सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। K को किसी भी और सॉल्ट के सामने लाओ तो वो रिएक्शन करना चाहिए, तो यहां पर कायदे से KCl बनना चाहिए। अब देखो ये रिएक्शंस हम पढ़ते क्यों नहीं है किताबों में, क्योंकि पहली बात तो हो सकता है बहुत महंगी रिएक्शंस हो, इनको कराना बहुत ज्यादा मुश्किल हो, या प्रैक्टिकली पॉसिबल ना होती हो ये रिएक्शंस। तो हो सकता है कि हम लोग, मतलब थ्योरी में तो हमारा क्लियरिफाई हो रहा है, लेकिन किताबों में हम इजीली नहीं पढ़ते। लेकिन ये वाली रिएक्शन आप देखोगे कि किताबों में पढ़ रहे हैं हम लोग। अब आप सोचो, कॉपर सल्फेट और आयरन देख रहे हो आप, तो कॉपर सल्फेट है, कॉपर हमारे पास यहाँ है, आयरन कहाँ है यहाँ पर, तो कॉपर से ज़्यादा है ना आयरन रिएक्टिव, तो आयरन कॉपर को हटा देगा, तो ये रिएक्शन होगी। और यहाँ क्या बनेगा हमारे पास में, आयरन सल्फेट और कॉपर अलग हो जाएगा। ये हम फर्स्ट चैप्टर की जो हमने रिएक्शंस पढ़ी हैं डिस्प्लेसमेंट, वहाँ पढ़ चुके हैं, और ये चीज़ हम थर्ड चैप्टर जो है हमारा मेटल नॉन मेटल वहाँ भी देखेंगे। तो इसीलिए कह रहा हूँ मैं आपको, अब इसको देखो, आयरन सल्फेट और कॉपर होता तो हम सीधा बोल सकते हैं अगर हमें ये याद है तो ये रिएक्शन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो कॉपर है वो आयरन से कम रिएक्टिव है, तो कम रिएक्टिव ज्यादा वाले को नहीं हटा सकता ना, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। समझ में आई बात? और उसके बाद जिंक और कॉपर सल्फेट, अब आप देख लो अपने आप से, जिंक एरा कॉपर एरा, तो जिंक कॉपर को हटा सकता है कि नहीं हटा सकता है? हटा सकता है, तो ये वाली रिएक्शन भी होगी, और हमें यहां पर क्या मिलेगा, ZnSO4 और कॉपर हमारा अलग हो जाएगा। सिमिलरली HCl और Na, देखो आप, अगर ये लाते हैं हम इनको सामने, तो क्या बनाना चाहिए, NaCl बनना चाहिए प्लस H2 गैस बननी चाहिए, और H2 है तो वो तो बैलेंसिंग हम करते रहेंगे, यहाँ भी 2 लग जाएगा, यहाँ भी 2 लग जाएगा। तो कहने का मेरा मतलब बस यही है कि ये बहुत ज़्यादा इस रिएक्टिविटी सीरीज़ को याद रखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और जो मैंने आपको कहानी बताई है ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि आप कभी नहीं भूलोगे, और इसका मतलब है कि आप रिएक्टिविटी सीरीज़ को कभी भी नहीं भूलोगे। अगर आपको सच में ये यूनिक लगी है, अभी तक किसी ने किसी को ऐसा नहीं बताया है, तो आप प्लीज़ प्लीज़ नीचे लिखो कॉमेंट सेक्शन में, और इनकरेज करो ताकि मैं और भी ऐसे आइडियाज़ के सामने आता रहूँ। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ और वीडियोज़ में, थैंक यू सो मच।